सॉरी टोटल कौन से रूट पे चलता है यूनिफॉर्म का वर्दी का है तो गाड़ी को पैसे लगाते डॉक्टर अलाउड कितनी है वर्दी का है चलो अच्छा बात अब मजा तो जल्दी हो बात वहाँ पे चला यूनिफॉर्म की दौड़ चलो एक्सप आ रही है एक्सप्रेस आ जाओ तो संजय सोवर लौट दिए अरे अरे मैं यूनिफॉर्म डाल दी करो अगर डॉक्यूमेंट्स के अपने सारे आप लोगों को इतनी बार मना किया है कि अंदर से लोड नहीं होती फिर क्यों उठाते हैं नहीं वो मेरे जो पीछे इको बड़ी है उसने इको में बैठाए हुए हैं 12 सवारी क्यों बैठाई हैं क्या जरूरत है ना यूनिफॉर्म डालते हो ना सीट बेल्ट डालते हो अंदर से लोड में क्या जरूरत है नहीं बार बार समझाने के बावजूद नहीं करना चाहिए कितनी बार समझाते हैं आप क्या नाम है आपका फादर उनमें से एक भी यूनिफॉर्म में नहीं क्यों नहीं यूनिफॉर्म में भाई लोकल चलते हैं तो लोकल्स को यूनिफॉर्म नहीं लगानी है क्या यूनिफॉर्म का चलाना होता है पता है सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई है एक्सेस मारी किसकी है मेरे कितने दिन ना 11 है ना नहीं सर मेरे यहाँ की दिक्कत नहीं 11 चला गया ना कोई बात नहीं चला रहे हो तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही नहीं है तुम्हारे पास तुम गाड़ी चला और तो मुझे भी कहना है क्या ज़्यादा लाइसेंस कहाँ है ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है इसका क्या है सर देखिए नाकास हम ऑन डेली रूटीन हम नाका इस्टेब्लिश करते रहते हैं अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ हमारे जो अपने SSP साहब हैं आज हमें क्लियर डायरेक्शन मिली है कि हमने पूरे जो सिटी में हमने हर जगह पे नाकास इस्टेब्लिश किए हैं पर्टिकुलर जो ट्रैफिक वायलेटर्स हैं आमतौर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है किश्तवाड़ में हर महीने हर 15 दिन के बाद कभी कहीं पर इंसिडेंट हो रहा है कभी कहीं पर जो मेनली जो इको और क्रूजर ड्राइवर्स हैं ये ओवरलोडिंग करते हैं एंड मोर ओवर अपने जो छत है इनके इन्होंने उनके उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सामान लोड किया होता है अब हमारी लोगों से यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं ड्राइवर यूनियन है या आम जनता है उनसे यही अपील है कि हमारे साथ कॉपरेट करें आप सीट बेल्ट लगाएं ओवरलोडिंग ना करें ऊपर सामान को ज़्यादा लोड ना करें अब देखिए यहाँ पर सुबह से हमने काफ़ी जो वायलेटर्स हैं वहाँ यहाँ पकड़े हैं मैक्सिमम हेलमेट जो हैं वो काफ़ी लोग जो नहीं लगा रहे हैं हेलमेट लगाना लोगों की अपनी पर्सनल सेफ्टी है वो उनको खुद पता होना चाहिए और मोर ओवर इको के ड्राइवर्स हैं कोई यूनिफॉर्म में नहीं है कोई सीट बेल्ट नहीं है इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है विदाउट डॉक्यूमेंट्स कुछ चल रहे हैं सो इनके खिलाफ उनकी गाड़ी को हम सीज करते हैं आफ्टर दैट वो कोर्ट का डिसीजन है कि क्या करना है उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो अभी तक हमने अभी 1 घंटा हुआ नाका लगाए हुए तो अभी हमने 3 गाड़ियों को सीज़ किया है 3 गाड़ियाँ सीज़ कर ली हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं और गाड़ी यहाँ पे चला रहे 12-15 चलान हमने कर दिए हैं अभी 1 घंटे ये कि जो आमतौर पे कुछ अच्छे हमारे सिटीजन्स ऐसे हैं जो फार फ्लंग एरियाज में हैं अब कई जगह पे पुलिस हर जगह अप्रोच नहीं हो सकती हम नहीं पहुँच सकते हैं चलान करने के लिए लेकिन वहाँ से हमें पिक्स वगैरह पहुँच जाती हैं
तो उन गाड़ियों के खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। जैसे कल शाम को भी सरथल में एक गाड़ी की पिक सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे, तो उसने काफ़ी पैसेंजर्स जो थे छत पे भी बिठाए हुए थे। सो जैसे ही पिक सर्कुलेट हुई तो हमारे SSP साहब ने डायरेक्शन दी कि उस गाड़ी के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए, एंड इमीडिएटली हमने उस पर एक्शन लिया है एंड अंडर 279 हमने उसको रजिस्टर किया है, FIR रजिस्टर किया है। सो यही है, हम अपनी तरफ से अब ऑन डेली बेसिस इस चीज़ को और स्ट्रिक्ट करेंगे। तो लोगों से यही अपील है एट लास्ट कि वो हमारे साथ कॉपरेट करें, बिकॉज ये उनकी अपनी सेफ्टी है। अगर वो खुद बैठते हैं उस गाड़ी में और देखें कि गाड़ी में पैसेंजर्स ज़्यादा हैं या छत पे ज़्यादा है, वो उनका अपना फ़र्ज़ बनता है कि वो ड्राइवर को बोलें कि नहीं इतने पैसेंजर ना बैठाएं, इतना सामान ऊपर ना रखें। और सर ट्रैफिक वायलेटर्स के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? ट्रैफिक वायलेटर्स को सर यही एक आप हमारे इस तरह से वार्निंग समझें या एक एडवाइस समझें, कुछ भी, उनको बस यही है कि टू व्हीलर्स हैं हेलमेट को लगाएं और फोर व्हीलर्स के लिए सीट बेल्ट लगाएं। जो EKG ड्राइवर्स हैं हमारे, इनके पास डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए और ओवरलोडिंग होनी चाहिए, बिकॉज ओवरलोडिंग इज़ द मेन प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग नाउएडेज इन किश्तवाड़ टाउन, और इसकी वजह से बहुत सारे हमें हादसे हुए हैं यहाँ पे। जब हादसे होते हैं तो फिर उसमें पता चलता है कि कई बार 10 बंदे हैं, कई बार 11 बंदे बैठे हैं, जिसमें इतनी लिमिट ही नहीं होती है बैठने की। तो हमें ऊपर से हायर ऑफिशियल से हमें क्लियर डायरेक्शंस है कि इनके खिलाफ हमने स्ट्रिक्ट एक्शन सिस्टम। हमारा यही है कि पहले नंबर पे तो ये कुछ मीडिया में अपने आप को सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपने आप को लाइक्स के बढ़ाने के चक्कर में ये क्या करते हैं कि स्टंट बाजी करते हैं, उससे जो आम पब्लिक है जो रोड पे चल रही थी उनको तो नुकसान है ही, लेकिन उनको खुद भी नुकसान है। इसमें मैं सबसे पहले यही बोलना चाहता हूँ कि अपील है उन बच्चों के पेरेंट्स से, उन युवा जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनके पेरेंट्स से अपील है कि आप अपने बच्चों को पहले नंबर पे ये समझाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स अगर समझाएंगे तो आफ्टर दैट हम तो चलो लीगल कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बनती है। और जिस एरिया में अगर ये ऐसे कुछ खाली एरिया होते हैं वहाँ पे करते हैं ये स्टंटबाजी, किसी खाली एरिया नहीं, अगर आप मेन ऐसे ही अब हमारे पास ऐसी वीडियो वायरल होगी जिसमें हमें लगेगा कि पब्लिक सेफ्टी को हार्म हो रहा है, तो हम उनके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेंगे। और हर किसी में आप लोग कोई नुकसान है।